प्रदेश में एक बड़े रिश्वतखोर रैकेट को ध्वस्त करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी एजेंसी के ही दो इंस्पेक्टर और राज्य के दो नर्सिंग कॉलेजेस के चेयरमैन सहित दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्र सीबीआई के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज से जुड़े मामले लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर सीबीआई ने इस मामले को नई हवा दे दी है, जिसके बाद राजधानी भोपाल में कांग्रेस इस मामले को जमकर उठा रही है, जहां कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने मध्य प्रदेश सीबीआई का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं एनएसयूआई ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों के जिम्मे जांच की जिम्मेदारी थी वही लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे। एनएसयूआई ने केंद्रीय सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों को सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अभी भी अगर इस केस में न्याय नहीं हुआ तो एनएसयूआई की विंग पूरे प्रदेश भर में बड़े आंदोलन करने के लिए विवश होगी। आज एनएसयूआई भोपाल के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर सीबीआई का जो है पुतला दहन किया गया है और अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। हमारा विरोध इस बात को लेकर के है कि जो मध्य प्रदेश की सीबीआई है उसने नर्सिंग घोटाले में जो है जांच की थी और उसी के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के उन कॉलेजेस जिनमें कि सही तरीके के इक्विपमेंट नहीं है, जिनमें जो है नर्सिंग करना संभव ही नहीं है, उन कॉलेजेस को भी जो है क्लीन चिट दे रही थी। तो हमारी ये मांग है कि जो दिल्ली की सीबीआई है वो अपनी जो है टीम बनाए, स्पेशल टास्क फोर्स अपनी बनाए और फिर उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में जो इतनी बड़ी धांधली हुई है, नर्सिंग घोटाला हुआ है, उस पर जो है जांच बिठाए। जी बात ये है कि मध्य प्रदेश के जो दो अधिकारी हैं सीबीआई के वो पहले इस घटना में लिप्त थे और उसके बाद मंगलवार मतलब कल ही दो अधिकारियों को और लिप्त किया और आरोपी हुए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाला व्यापम घोटाले के बाद राज्य का दूसरा बड़ा घोटाला है। मध्य प्रदेश के 308 नर्सिंग कॉलेज की जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है। बता दें कि नर्सिंग कॉलेज में अनियमितताओं की शिकायत के बाद ये मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंचा था। हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर अक्टूबर 2022 में सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।